नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये हम लोग प्रतियोगिता जो दर्पण मैगजीन है, पीडी मैगजीन है, जो उसकी अक्टूबर 2017 से लेके मार्च 2018 तक की ये देख रहे हैं पूरे करंट अफेयर। अभी हम लोग कितना कर चुके हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का, जनवरी 2018 का, ठीक है। अब फरवरी 2018 का इसमें करेंगे और इसकी पीडीएफ के लिए अब आपको ये मिल जाएगा। ये वाले वीडियो के बाद अब मैं इसमें पीडीएफ पूरी शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये है टेलीग्राम ग्रुप, यहीं पर मिलेगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इंडियन साइंस कांग्रेस का जो 105th वार्षिक सेशन था, एनुअल सेशन था, पहले ये होना था आपका यहाँ पे उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में, लेकिन फिर इसको स्थगित कर दिया गया और ये अब होगा मणिपुर में। तो देखिए, पहले ये थोड़ा सा ये देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 104वां जो इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तिरुपति में, ठीक है। उसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, और इस बार जो 105वां होना है वो उसकी थीम क्या है, उसकी थीम है, ये पहली बात तो इम्फाल में मणिपुर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और इसके जो हेड कौन करेंगे, अच्युत सामंत, और इसकी जो थीम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछी जाती है, रीचिंग द अनरीच थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है इसकी थीम 105वें इंडियन साइंस कांग्रेस सेशन की, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एसोसिएशन के 100 सालों में ऐसी बार हुआ है कि इनका जो एक जहां पे एनुअल सेशन होना था वहां से स्थगित करके दूसरी जगह लाया गया, ठीक है। तो इंडियन साइंस कांग्रेस जो है ये देश के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित संस्थान है। फिर देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक खबर आई है कि इंडिया जो है ये वासेनार एग्रीमेंट का 42nd सदस्य बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी बनाएगा। देखिए, चार जो एक्सपोर्ट रिजीम है अगर उनमें देखें तो इंडिया किसका किसका मेंबर है, देखिए, इंडिया ने MTCR ज्वाइन किया था, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, एज अ 35th मेंबर, ठीक है, जिससे कि जो क्या करता है, एक एक्सक्लूसिव क्लब है ये, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। देखिए, ये यहां पे याद रखिएगा कि जो इंडिया है वो कौन से नंबर का मेंबर है, यही पूछेंगे ये लोग पीसीएस में, एसएससी में। तो इंडिया 35th नंबर का मेंबर है MTCR का। वासेनार अरेंजमेंट का इंडिया जो है, अभी जो ये मैंने बताया वासेनार समूह का, इंडिया 42nd मेंबर है, और जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की भी अभी न्यूज आई है, जनवरी 2018 में इंडिया को एडमिट कर लिया गया है 43rd मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, जो कि एक इनफॉर्मल ब्लॉक है, जो कि पूरा कंट्रोल रखता है किस पे, जो सब्सटेंस है केमिकल वेपन्स का एक्सपोर्ट पे रखता है ये पूरी नजर। सिर्फ इंडिया जो एनएसजी, देखिए, चार जो एक्सपोर्ट रिजीम है, एक हो गया आपका एनएसजी, एक हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ठीक है, एक हो गया आपका ये MTCR, तो इन तीनों का तो हो गया, लेकिन अभी इंडिया किसका नहीं, अभी इंडिया एनएसजी का नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा आप। तो ये इंडिया बन गया है 42nd मेंबर बन गया है वासेनार का, 35th है MTCR का, और आपका 43rd है आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का। देखिए, उसी से रिलेटेड कुछ ये इन्फॉर्मेशन दी है वासेनार ग्रुप से रिलेटेड, कि जो इसका वासेनार ग्रुप का ये सचिवालय है वियना ऑस्ट्रिया में, गठन हुआ था 1996 में, ये पूरे क्या करता है, जो भी ट्रेडिशनल आपके हथियार होते हैं उसकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये। अब इसमें एनएसजी के लिए भी कह रहे हैं संभावनाओं को बल मिलेगा, हालांकि जब तक चाइना और ये लोग जब तक अपोज करते रहेंगे एनएसजी में नहीं मिलेगी ये मेंबरशिप पूरी, क्योंकि वहां पे वोटिंग मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद है INS कलवरी, ये राष्ट्र को समर्पित हो गया, ये पहला मेड इन इंडिया स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है। देखिए, एक प्रोजेक्ट 75 चलाया गया है, उसमें 6 सबमरीन बनाई जाएंगी, 23,652 करोड़ रुपए का बजट है। ये जरूर याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट 75 है वो इंडिया की नेवी में सबमरीन बनाने से रिलेटेड है, 6 सबमरीन बनाएंगे, ये जरूर याद रखिएगा। अभी एक आ चुकी है, और ये किसके सहयोग से हो रहा है, फ्रांस के सहयोग से हो रहा है, 5 अभी और आनी बाकी है, 5 और पनडुब्बी आनी बाकी है। इसका नाम जो है वो INS कलवरी के नाम पर रखा गया है, जो कि दिसंबर 1967 में नेवी में शामिल किया था, और जिसको ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 67 में जब किया गया था तो 1996 तक होगा यहाँ पे, शायद 66 नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जैसे ये लिखा हुआ है कि भारतीय नौसेना के पास उपलब्ध पनडुब्बियों की, नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए 24 नहीं हुई है अभी तक। एक्चुअली ऐसा है कि इंडिया की नेवी का टारगेट है, इंडिया की नेवी का क्या टारगेट है कि 24 हमको ये सबमरीन बनानी है 2030 तक, ठीक है। तो जब ये अभी INS कलवरी इसमें शामिल हो गई है, तो ये इससे इसको बल मिलेगा कि 24 हम बना लेंगे 2030 तक। ये अजय राठौर जी ने शायद थोड़ा सा मिस्टेक कर दी यहाँ पे, एक्चुअली पीडी में शायद मिस्टेक हुई होगी,
तो ये करेक्ट, मैंने इसीलिए मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक करता हूँ कि सब चीजें ठीक रहें। इंडिया में इस समय कौन कौन सी एक्टिव हैं आपकी, वो देख लीजिए, यहाँ पे जरा देख लेते हैं। देखिए ये है इंडिया की सबमरीन की लिस्ट, अरिहंत क्लास है इस समय, ठीक है। इंडिया में INS अरिहंत है, चक्रा है, ये तो हो गई न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक्स मिसाइल है सबमरीन, ठीक है। ये न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है चक्र। अब इसमें लेकिन ये वाली जो चक्र है ये अभी नहीं है, ये 2021 तक बन रही है, 2021 तक ये शामिल की जाएगी, रशिया के सहयोग से बन रही है। ये जो INS अरिहंत है सिर्फ ये है अभी अपने पास। उसके बाद ये जो कन्वेंशनली पावर्ड यानी कि है, उसमें से कलवरी क्लास की एक हो गई है, ठीक है, ये वाली अभी चल रही है, INS कलवरी वाली। तो ये वाली अभी नहीं, इसमें से देखिए एक अभी कर दी गई है, ठीक है, इंडिया फ्रांस के सहयोग से बन रही है। सिंधु घोष जो मिसाइल है वो सोवियत यूनियन रशिया के सहयोग से बन रही है। तो ये सब चीजें हैं इसमें टोटल मिला के। और अगर आप देखें तो शिशु शिशु शिशुमार क्लास है ये, जर्मनी के सहयोग से बन रही है। तो अभी करीबन 14 है सर्विस में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साहब साहब, और यहाँ पे ये एक सर्विस में है और एक ये है, तो 16 है टोटल सर्विस में, 24 हमको बनानी है 2030 तक, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग जब PDF पढ़िएगा तो ये ना कंफ्यूज हो जाएगा, 24 नहीं है हमारे पास जो इनमें लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फिर ये है नेक्स्ट न्यूज है, सुपरसोनिक एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एंडो एटमोस्फेरिक और एक्सो एटमोस्फेरिक का मतलब क्या होता है। इसमें ये मतलब होता है कि मान लीजिए जो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर आप मिसाइल को आप ट्रैप करके इंटरसेप्ट करके उसको वहां पे गिरा सके, तो वो समझ लीजिए कि वो इंटरसेप्टर इंडो इंटरसेप्टर हो गया। और अगर एटमॉस्फेयर की जो लेयर 100 किलोमीटर मतलब मानी गई, इसकी 100 किलोमीटर के अगर आपने अंदर जो मिसाइल है उसको पकड़ लिया, इंटरसेप्ट कर लिया, तो फिर वो एंडो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में पकड़ लिया, लेकिन अगर 100 किलोमीटर के बाहर कर लिया तो वो एक्सो एटमॉस्फेरिक हो गया। तो ये बस एक थोड़ी सी बाउंड्री लाइन आप याद रखिएगा, एंडो एटमॉस्फेरिक मतलब कि जमीन से लेके 100 किलोमीटर तक, और 100 किलोमीटर के बाहर क्या हुआ वो हो गया एक्सो एटमॉस्फेरिक। तो वही जो इंटरसेप्टर बनाया गया, पृथ्वी मिसाइल करी गई थी और इसमें फिर ये सक्सेसफुली इन्होंने कर लिया, पृथ्वी को छोड़ा गया था, फिर उसको इंटरसेप्ट भी कर लिया इंडिया ने और सक्सेसफुल रहा है, मतलब कुल मिलाकर टेस्ट ये उड़ीसा में हुआ था, चांदीपुर में, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसमें इसमें उड़ीसा के निकट जो ये अब्दुल कलाम द्वीप है, सॉरी चांदीपुर नहीं, अब्दुल कलाम द्वीप में हुआ था ये। और इसकी विशेषता यही कि सुपरसोनिक मिसाइल अगर मान लीजिए कि छोड़ी किसी ने, सुपरसोनिक का क्या मतलब होता है, देखिए सुपरसोनिक एक होता है, एक होता है हाइपरसोनिक, एक होता है सबसोनिक, मतलब देखिए जो स्पीड ऑफ साउंड होती है अगर उसका 0.6 से लेके 0.7 गुना है, मतलब कि 60 से लेके 70% है, तो वो हो गया सबसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब हो गया कि 1 से लेके 5, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड का 1 गुना से लेके 5 गुना तक, तो हो गया सुपरसोनिक। अगर उसका अगर 5 गुना से भी ज्यादा हो गया तो हाइपरसोनिक हो गया, ये मैं बता चुका हूँ। आकाश मिसाइल का ये सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया गया है, ये सरफेस सुपरसोनिक है, ये सरफेस टू एयर, ठीक है। फिर MIG-27ML जो विमान है उनको हटा दिया गया है, काफी सारे इश्यूज थे उसमें। फिर ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी न्यूज है ये कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बन रहा था उससे रिलेटेड है ये। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पहली बात तो ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और साउथ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है 23.5 डिग्री साउथ में, उनके बीच में 121 कंट्री आती हैं, उनका ये समूह है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका ये मतलब समझ में आ रहा है, ये किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंट्रीज हैं 121 कंट्री, यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं, अगर मान लीजिए ये अर्थ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गई, इसके बीच में जो ये 121 कंट्री हैं इसमें मतलब 365 दिनों में से 300 से ज्यादा दिन में यहाँ पे सनलाइट रहती है, इसीलिए काफी ज्यादा यहाँ पे अवेलेबिलिटी है सनलाइट की, इसलिए यहाँ पे सोलर बेस्ड काफी सारे ये एनर्जी के लिए आ सकते हैं, तो वही बनाया गया है। अब देखिए इंडिया, एक अभी लेटेस्ट न्यूज आई कि इंडिया और फ्रांस ने एक पहली इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट, ये कहाँ पे अभी होस्ट की गई है, न्यू दिल्ली में। तो ये अभी लेटेस्ट न्यूज है, फरवरी की न्यूज है ये, फरवरी 2018 की, इसमें मैंने लेटेस्ट अपडेट भी डाल दिए हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये जो है ये पहली ट्रीटी बेस्ड जो है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रीटी बेस्ड, ठीक है। इसको कब ये साइन किया गया था ये जरूर याद रखिएगा, 6 दिसंबर 2017 को, MPPCS और बाकी कई भी पूछ सकते हैं, 6 दिसंबर 2017 को ट्रीटी में साइन हुआ था। मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्लोबली 1000 GW की सोलर जनरेशन कैपेसिटी बनाई जाए और $1000 बिलियन का फंड जनरेट किया जाए 2030 तक,
ठीक है, ये वैसे पेरिस में जो COP21 में हुई थी तो उसमें जितने आउटकम थे, ये भी एक आउटकम था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएंगे ये लोग, जो ऐसी कंट्रीज हैं मिलके, और इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और फ्रांस के उस टाइम के राष्ट्रपति दोनों ने मिलकर किया था। मेन बात वही कि सोलर एनर्जी को हमको प्रमोट करना है। इसका सचिवालय गुड़गांव में बन रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। देखिए, गैबॉन को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब दो देश बचे हैं जहां पे अभी भी ये है। इंडिया को पोलियो फ्री 2014 में डिक्लेयर कर दिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक और चीज है जो नेक्स्ट टेस्ट है, उसमें मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, वो टेस्ट जरूर दीजिएगा। 21 तारीख को टेस्ट है, 9:40 पे यहीं पे, और 22 तारीख को 9:40 पे आपका क्या है, करंट अफेयर्स वाला। फिर ये देखिए, ये कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज है, सेबेस्टियन पिनेरा ये चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं। इतना नहीं है लेकिन एक बार नाम याद रख लीजिए, ये मिशेल बैरट का स्थान लेंगे, बैरलेट का, जो कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, उसके बाद नई दिल्ली में फिर ये इंडिया और चाइना के बीच में ये राजनीतिक स्तर की सीमा वार्ता का 20th दौर है, ये याद रखिएगा नंबर। इंडिया का नेतृत्व कौन कर रहे थे, अजीत डोभाल जी, और चाइना का यांग जी की। और अब 2018 में 21वां दौर होगा। यरूशलेम को अमेरिका ने, देखिए ट्रंप ने जो डिक्लेयर किया था यूएस ने, कि ये इन्होंने बोला था इसराइल की राजधानी हम यरूशलेम को मानते हैं। जेरूशलेम इंग्लिश में लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग, और यरूशलेम हिंदी में बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। 5 दिसंबर को ये घोषणा की गई थी। अगर एमपीपीसी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये डेट भी रट लेना, क्योंकि डेट पूछते हैं ये लोग। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, लेकिन ये देखिए यूएन ने नहीं माना, और यूएन ने इसके खिलाफ वोट भी किया 128-9 के इसमें, मतलब कि 128 देशों ने ये माना कि ये बहुत गलत चीज है, और 9 देशों ने माना कि हाँ यूएस ने जो डिक्लेयर किया वो बिल्कुल सही है। इंडिया ने इसके अपोज में वोट डाला था, मतलब इंडिया ने इसको अपोज किया है। ठीक है, अमेरिका के विरोध में मत डाला था। देखिए, अमेरिका में यूएस में वो लोग जो जो ट्रंप है वो, अच्छा ये बताइए कि ट्रंप कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कई बार कई सारे देशों पे वो लोग प्रतिबंध लगाते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो इनका थर्ड राउंड वाला था कि 8 कंट्रियों पे बैन लगाने वाला, वो इन्होंने मान लिया है। मतलब अब उसमें बहुत ज्यादा स्क्रूटनी होगी, अगर कोई ईरान से स्टूडेंट वाले तो जाने देंगे, सीरिया से, सोमालिया से, यमन, और आपका चार्ड कंट्री, और नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला। तो यहाँ पे अब जो नागरिक आएंगे, पहली बात तो उनको परमानेंट नहीं, और जो वहां पे उनको भी भगाया जाएगा, और बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ये कुछ इकोनॉमिक न्यूज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। WTO मेंबर्स का जो 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन आएगा, ये कहां पे हुआ था, ब्यूनस एयर्स में हुआ था। ठीक है, 13 दिसंबर को। और इसमें बेसिक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो फोकस की गई कि फिशरीज की सब्सिडी पे बात की गई कि ये लोग डील करेंगे, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14.6 है, ये 2019 में जो सेशन होगा उसमें ये लोग फिशरीज की सब्सिडी पे बात करेंगे, ये सब बातें चल रही है इस बार। ठीक है, और ये 11th वाला कहां पे हुआ था, ब्यूनस एयर्स में, और अर्जेंटीना में हुआ था। इंडिया का नेतृत्व किया था सुरेश प्रभु जी ने, ये इंपॉर्टेंट चीज है। WTO के बारे में बात की गई, 1995 में बनाया गया था, पहले गेट GATT था, गैट था, फिर उसको WTO में कन्वर्ट कर दिया गया। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, सदस्य है इस समय 164, और अफगानिस्तान WTO का 164वां सदस्य, ये इंपॉर्टेंट चीज है। महानिदेशक इसके कौन है, रॉबर्टो एजेविडो। ये कहां के हैं जल्दी से बताइए, किस कंट्री के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए, 15वां फाइनेंस कमीशन बना दिया गया है, एनके सिंह उसके अध्यक्ष हैं, ये लोग भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वैसे 280 आर्टिकल के तहत फाइनेंस कमीशन बनाया जा सकता है, और ये जो इसकी सिफारिशें होंगी, मतलब ये जो रिकमेंडेशन करेगा, वो कब से कब तक करेगा, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का करेगा ये। पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, 1951 में केसी नियोगी, और 14th वाले के वाईसी रेड्डी, इसके कौन है, एनके सिंह। देखिए, ये जो है, ये जो दो दो महीने बदलती है, तो ये तो आप अभी मत देखिए क्योंकि अभी फिर बदल चुकी होगी, ये लेटेस्ट वाली देख लीजिएगा, ये मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब ये वाली PDF मैं यहाँ पे दूंगा आज रात में 11 बजे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट न्यूज है इसमें कि इंडिया का IMF का डेटा आया है, और इंडिया की जो GDP पर कैपिटा इनकम है, मतलब और वो भी किसके बेसिस पे, PPP के बेसिस पे, वो कितनी हो गई, $7,170, यानी कि करीबन 4,20,000 के आसपास, और इंडिया का 126वां स्थान है। पिछली बार से इंडिया ने एक रैंक बढ़ाई है अपनी, पिछली बार 127वां था, इस बार हम 126 पे आ गए हैं। GDP पर कैपिटा में नंबर वन पे है कतर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ब्रिक्स में इंडिया बॉटम में है, ब्रिक्स मतलब जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उसमें इंडिया बॉटम पे है, 7,170
डॉलर प्रति व्यक्ति आय है इंडिया की पीपीपी बेसिस पे, और ये पिछले साल कितनी थी, 6,690 डॉलर, आईएमएफ का डेटा है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कतर नंबर वन पे 1,24,000 उनकी पर कैपिटा इनकम है, बहुत अमीर लोग हैं वहां पे। फिर मकाओ है, फिर लग्जमबर्ग है, और ब्रिक्स में भी रशिया नंबर वन पे है, चाइना नंबर टू पे है, इंडिया सबसे लास्ट में है, और भारत के पड़ोसी में मालदीव हमसे काफी ऊपर, बताइए मालदीव जैसे कंट्री भी हमसे ऊपर है इसमें, और श्रीलंका भी हमसे ऊपर है, इवन पाकिस्तान नहीं है, गनीमत है कम से कम, और बांग्लादेश भी नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है। इसमें कुछ डेटा दिया गया है कि इंडिया की जो वृद्धि होगी 2017 में 6.7% होगी, 2018 में 7.2% होगी, 2019 में 7.4% होगी, मतलब कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया बनने जा रहा है। लेकिन मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है, लेकिन इंडिया में फिर भी इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास जॉब क्यों नहीं है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र जो संघ की रिपोर्ट थी, अनटैग्ड का भी डेटा लिया गया था, उसी के सहयोग से की गई थी। ये कुछ नॉर्मल जीके है, ये आप एकदम देखिए इसको। फेडरल रिजर्व जो कि यूएस का रिजर्व बैंक है, आरबीआई है यूएस का, मतलब यूएस का रिजर्व बैंक है, आरबीआई तो नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हुआ वो तो यूएस का जो ये है आपका रिजर्व, उसके बन गए जेरोम पावेल नए चेयरमैन बन गए हैं, ए सूर्य प्रकाश को प्रकाश भारती का फिर से बना दिया गया है, राजेश शाह को फिक्की के नए चेयरमैन बना दिया गया है, प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह को यूजीसी का नया चेयरमैन बना दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, मूर्ति देवी पुरस्कार 2017 का किसको मिला, जय गोस्वामी को, बांग्ला के कवि, सॉरी बंगाली कवि है मतलब ये, और इनका कविता संग्रह था दू डोंडो फोवार मात्रो। देखिए ये मैं एक पीडीएफ बना रहा हूं जो आपका 4 घंटे के करीब, 3-4 घंटे का है, ये बहुत सारी चीजें इसमें बन चुकी हैं, 22 तारीख को मिलेगा आपको, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। ये जो जितने अवार्ड अवार्ड है ना, सब एकदम डिटेल में यहाँ पे किए हैं, टेंशन मत लेना। आपको ये वाले जो आरओ वाला है, आरओ के लिए पता है आप क्या करना, सिर्फ ये पूरी पीडी देख लेना, प्लस मेरा वो 4 घंटे का वीडियो जरूर देख लेना, 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे जितने का बने वो, और वो वाली पीडीएफ अगर आप चाहें ना तो ले लेना, लेकिन वो वाली पीडीएफ फ्री नहीं मिलेगी, ये वाली पीडीएफ फ्री है। फिर देखिए इसमें व्यास सम्मान मिला 2017 का ममता कालिया को, हिंदी की लेखिकाएं बुखम दुखम सुखम के लिए। फिर डीएसी प्राइज फॉर साउथ एशियन मिला है अनुक अरुद युगासम को, ठीक है, ये मिला है डीएसी प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर, उपन्यास है द स्टोरी ऑफ अ ब्रीफ मैरिज के लिए मिला है ये। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है ये, हिंदी का मिला है विश्व मिथक सरित सागर के लिए रमेश कुमार मेहत को, उर्दू का मिला है दखमा के लिए बेग एहसास को, और अंग्रेजी का मिला है द ब्लैक हिल के लिए उपन्यास को। 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, ये है पूरी लिस्ट, हालांकि इतनी जरूरी नहीं है ये, लेकिन ये फिर भी देख लीजिए। 1954 में सबसे पहली बार मिला था, 2015 में लास्ट बार मिला है, 2017 में अभी लास्ट बार मिला है, ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट चीज। और ये देखिए फैक्ट काफी सारे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको देखिए टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2017 का किसको मिला था, साइलेंस ब्रेकर को, जो जिन्होंने वो मूवमेंट चलाया था मी टू, जो यौन शोषण हुआ था, जिनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो होता है जैसे पूरी दुनिया में, ऐसे लोगों का ही समूह है द साइलेंस ब्रेकर, उन्हीं को मिला है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर। उल्हास कशालकर को मिला है मध्य प्रदेश का तानसेन सम्मान। फिर ये मिला है आपका ये शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार, ये मिलता है 32 साल तक के लोगों को मिलता है, यूक्रेनी गणितज्ञ हैं ये, मारियाना विया जोत्स का इनको मिला है ये। देखिए 2017 का जो बेस्ट एथलीट का पुरस्कार किसको मिला है, कतर का मुटाज एसा बर्शिम को, और ये जो है बेल्जियम के ये नाम है इनका क्या है, नफीसातोव थियाम को, थोड़ा कठिन सा नाम है ये, जो मुताज ईसा बर्शीम है ये फुटबॉल, ये क्या है, ये ऊंची कूद के हैं, और ये हेप्टाथ्लीन एथलीट है ये नफीसा, एक मिनट, ये जो है ये बेल्जियम की है नफीसा थियाम, इनको मिला है ये, दोनों को बेस्ट एथलीट का मिला है, वर्ल्ड का बेस्ट एथलीट का IAAF एथलीट अवार्ड मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुनेको में हुआ था ये याद रखिएगा जरूर। 2017 के सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी का किसको मिला है, इंडोनेशिया के मेल को मिला है, मेल में है कौन कौन, मार्कस फेर्नाल्डी गिडेन को, और प्लस आपका केविन संजया सुका मुलजो को, ये हैं मेल खिलाड़ी बेस्ट बैडमिंटन के, और फीमेल खिलाड़ी में चेन चेन क्वीजो को मिला है, क्वीचेन को मिला है, ये चेन यू की करके है नाम इनका, इनको मिला है। देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के हैं, बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है, फीफा का जो 2017 का पुरस्कार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है पुर्तगाल का बेस्ट मेल फुटबॉलर का, लीके गांटेज को मिला है नीदरलैंड का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का, एशियन फुटबॉलर
का अवार्ड किसको किसको मिला है, देखिए एशियन फुटबॉलर कॉन्फ्रेंस वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर ये किसको मिला है, सामंता कार को, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये नाम है इनका। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको मिला है, एशिया का बेस्ट फुटबॉलर में सामंथा केर को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के। बेस्ट मेल खिलाड़ी किसको मिला है, ये मिला है ओमर खबरीन को, ठीक है। और उसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट है, मतलब एशिया के जो बेस्ट खिलाड़ी हैं वो मेल वाले कौन है, उमर, ये नाम लिखा है उमर खबरीन को, और फीमेल वाला किसको मिला है, सामंथा केर को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। फिर देखिए एक जो एक स्पोर्ट्स मैगजीन है, ये स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, उनके 2017 के बेस्ट खिलाड़ी कौन है, जेजे वॉट और जोस अल्टूव को, ठीक है। जेजे वॉट अमेरिकी फुटबॉलर हैं और जो जोस अल्टूव हैं ये हैं आपके वेनेजुएला के, स्पोर्ट पर्सन मिला है इन दोनों को। बीबीसी के अवार्ड की पूरी हमने लिस्ट बनाई है बीबीसी का, देखिए बीबीसी के जो 2017 के अवार्ड हैं, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मोहम्मद फराह को, ठीक है। और बाकी रोजर फेडरर को मिला है ओवरसीज स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, इंग्लैंड को मिला है टीम ऑफ द ईयर, ये पूरे अवार्ड की लिस्ट है, एक बार देख लीजिए जल्दी से। बीबीसी वाले अवार्ड हैं, देखिए मोहम्मद फराह को तो मिला है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ओवरसीज स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर रोजर फेडरर को चौथी बार मिला है। फिर बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड टीम को कौन सी मिला है, किस टीम को, इंग्लैंड की वुमेन क्रिकेट टीम को, लाइफ टाइम वाला मिला है जेसिका एनिस हिल को, और कोच का अवार्ड मिला है आपका इन तीनों को, ये नाम लिखे हुए हैं बेंके ब्लोम्स करके है और क्रिश्चियन मेलकॉम। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर हेलेन रेजोन अवार्ड मिला है ब्रेडले लॉरी को, यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए है फिल फोडेन को, और बीबीसी स्पोर्ट अनसंग हीरो अवार्ड मिला है डेनिस लिरार्ड को। वैसे इतना नहीं आएगा, मोहम्मद फराह का नाम जरूर याद रखिएगा, और जो टीम वाला है वो इंग्लैंड है वो याद रखिएगा, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के पुरस्कार है, राफेल नडाल को मिला है पुरुष में और गार्बिना मुगुरेजा को मिला है स्पेन की है महिला में। फिर जितेंद्र सिंह देव जो कि लखनऊ के मिस्टर इंडिया इन्होंने जीता है, ये 2020 में जो मिस्टर वर्ल्ड की प्रतियोगिता होगी उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आईसीसी के पुरस्कार हैं, ये मैंने वैसे लिस्ट बना रखी जो वाला अगला वाला वीडियो बना रहा हूं मैं उसमें है, वैसे आप देख लीजिए। यहाँ पे महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, एलिस पेरी को ऑस्ट्रेलिया की। ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है आपका, एमी सेट सेथर्ड बेड को, न्यूजीलैंड की महिला के लिए, देखिए ये महिला वाला है यहाँ पे महिला क्रिकेटरों के लिए ये, ठीक है। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिस पेरी को, और ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर एमी सेथर्ड को, बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की है T20 और इमर्जिंग प्लेयर, ठीक है। आईसीसी के द्वारा महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की शुरुआत इसी बार से की गई है, मेल वाला भी हम लोग देखेंगे अगले वाले वीडियो में। ये इसमें देखिए फिर ये कुछ है, ये ऑपरेशन है नसीम अल बैर होता है इंडिया और ओमान के बीच में, कई बार हम लोग देख चुके हैं। एक्वेरियन होता है इंडिया और मालदीव के बीच में, कहाँ पे होता है, बेलगाम भारत में हुआ था, इस बार ये नसीम अल बैर हुआ था ओमान के तट में। फिर सम्मेलन है हैदराबाद में हुआ था, ये सिक्स्थ वर्ल्ड तेलुगु सम्मेलन, ये कहाँ पे होता है, हैदराबाद में, ये जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल ये सिटी पूछ लेते हैं लोग। फिर फिफ्थ साइबर स्पेस फॉर ये आपका वैश्विक सम्मेलन जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, विश्व वेद सम्मेलन भी नई दिल्ली में हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का शताब्दी सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था, ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ था, गुंटूर लिखा है ये आंध्र प्रदेश में, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय में। फिर ये वडोदरा गुजरात में देश में पहला रेल और परिवहन विश्वविद्यालय बन गया है, ओरवी जो तूफान था केरल तमिलनाडु में आया था। फिर ये कुछ और इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से रिलेटेड है, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा एक चीज और, मैं पिछले वीडियो में थोड़ा गलत बता दिया था शायद, जो आपका मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है वो मिला है प्रियंका चोपड़ा को, ठीक है, और ये हार्मनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, पता नहीं इनको क्यों मिला है, इतने सारे तो लोग हैं पूरी दुनिया में सोशल वर्क करने वाले, खैर जो है वो है। और ये इंडिया श्रीलंका में आपको अगर आप देखेंगे सीरीज में, 3 टेस्ट 3 एक दिवसीय 3 वनडे हुए, 3 सॉरी T20 हुए थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज टेस्ट में मिला है विराट कोहली को, और वनडे में मिला है प्लेयर ऑफ द सीरीज शिखर धवन को, और T20 मिला है जयदेव उनादकल को, तीनों में भारत जीता है, ठीक है। उसके बाद ये चेतेश्वर पुजारा ऐसे तीसरे भारतीय बन गए जिन्होंने लगातार 5 दिन बल्लेबाजी की है, हालांकि मैंने इनकी नहीं देखी लेकिन ये मैंने सुना तो बड़ा खुशी तो हुई कि 5 दिन तक लगातार, मतलब कैसे, दूसरे राहुल द्रविड़ यही हैं, वो जो वॉल कहते थे ना वो वही हैं, इससे पहले ML जयसिन्हा और रवि शास्त्री ने किया है ये। विराट कोहली ने श्रृंखला के तीनों मैचों में शतक बनाए, 2 दोहरे शतक सहित। रोहित शर्मा ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल में 3 दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बन गए, भयानक खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, सलाम है इनको। देखिए मुझे बहुत ही कम लोगों से मैं इंस्पायर होता हूँ जिंदगी में, एक है रोहित शर्मा, और जैसे मुझे अगर सबसे जो अच्छा क्रिकेटर आज तक जिसका मैं बहुत बड़ा डाई हार्ट फैन हूँ वो है सहवाग, सहवाग से ज्यादा मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ, और ये दूसरे हैं हमारे रोहित शर्मा जी,
रोहित शर्मा T20 में सबसे तेज गति से शतक लगाने वाले, आपके डेविड मिलर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और 35 गेंदों पे लगा दिया। T20 क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट का ये सर्वोच्च स्कोर हो गया 260 पांच विकेट पे। फिर एकता बिष्ट आईसीसी की महिलाओं की वर्ष 2017 की ओडीआई, वो आपकी T20 दोनों टीमों में हो गई है। मिताली राज को ओडीआई टीम में स्थान मिला, आईसीसी की हरमनप्रीत कौर को T20 में मिला है। बैडमिंटन में BWF जो सुपर सीरीज थी उसमें ये उप विजेता बनी है, पीवी संधु भारत की, रजत पदक मिला है इनको। ठीक है, विजेता और महिला में, मतलब महिला पुरुष और महिला में ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं, पीवी संधु ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। BWF सीरीज में इनको मिला है रजत, याद रखिएगा। फिर हॉकी में अगर देखिए, हमने जो हॉकी है ये अगर आप देखें वर्ल्ड हॉकी लीग में, हमने आज तक कभी नहीं जीती है ये, जो FIH है, हॉकी वर्ल्ड लीग है ये, इंटरनेशनल फील्ड हॉकी है ये। इसको देखिए दो दो साल में कराते हैं, पहला वाला दिल्ली में हुआ, फिर रायपुर में हुआ, फिर भुवनेश्वर में हुआ, तीनों बार हम नहीं जीते। इस बार पिछले दो बार से हम थर्ड आ रहे हैं, तो दो बार ऑस्ट्रेलिया जीती, एक बार आपका नीदरलैंड जीता है। ठीक है, ये इसको रिप्लेस करेगा हॉकी प्रो लीग 2019 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड हॉकी लीग का हुआ था कहाँ, भुवनेश्वर में, विजेता बना ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, फिर रनर अप है, भारत का तीसरा स्थान रहा है। इन अगर हॉकी टीमों में आप नॉर्म प्रेजेंट रैंकिंग देखेंगे तो मेल में है ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे और नंबर 2 पे है भारत, सॉरी नंबर 2 पे नहीं, नंबर 6 पे है भारत मेल में हॉकी टीम में। महिलाओं में नंबर 10 पे है भारत, तो नंबर 1 पे नीदरलैंड। एक टाइम पे कहाँ हॉकी में पूरी दुनिया में हमारी तूती बोलती थी, और आज देखो। खैर, इंडिया की फुटबॉल टीम की जो रैंक है वो 99th हो गई है अभी लेटेस्ट 15 मार्च 2018 के डेटा के हिसाब से, और नंबर 1 पे 2017 के एंड तक ये था जर्मनी, और फीमेल में थी अमेरिका। ये लेटेस्ट डेटा मैंने नहीं देखा है, जरा एक बार देख के बताइएगा। टेनिस में आपका 2017 के अंत में टेनिस खिलाड़ियों की रैंकिंग हुई, राफेल नडाल नंबर 1 पे थे, स्पेन के हैं रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के, और गिग्रो दिमित्रो ये बुल्गारिया के 3rd नंबर पे। महिलाओं की WTO रैंकिंग में सिमोना हेलेप जो कि रोमानिया की नंबर 1 पे, गार्बिन मुगुरजा ये स्पेन की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, विश्वनाथन आनंद ने रैपिड शतरंज में विश्व चैंपियन बन गए 14 साल बाद। ठीक है, तो इन्होंने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीत लिया है। अच्छा, इसमें इन्होंने एक मैच में मैग्नस कार्लसन को भी हराया था नॉर्वे में, तो लोग ऐसे न्यूज आई थी कि जो 2013 में उन्होंने यहाँ पे आके हराया था उसका बदला सा ले लिया। पद्मी राउत ये आपकी चेस से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा को ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम जो है 2018 में होंगे कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, 2022 में होंगे बिर्मिंगम इंग्लैंड में, 2014 में ग्लासगो यहाँ पे हुए थे स्कॉटलैंड में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। शुअर्ड मरीने, देखिए इंडिया की जो हॉकी कोच हैं इस समय, मेन में कौन है, शुअर्ड मरीने, वुमेन में श्री हरिंदर सिंह, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक और चीज, जोसेफ पार्कर न्यूजीलैंड के विश्व मुक्केबाजी संगठन का हैवीवेट खिताब जीता है इन्होंने, इसी के साथ ही खत्म होती है। देखिए, ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, एक बार मैं PDF यहाँ पे शेयर कर दूंगा। और अगर आपको मान लीजिए नहीं समझ में आता है कैसे, देखिए कैसे मैं बता दे रहा हूँ कैसे देखते हैं, जैसे मैंने कोई चीज जो पोस्ट है आप उसको ऊपर की तरफ करते जाएंगे तो खुलती जाएगी, जितनी भी पोस्ट है, मतलब जब से मेरा टेलीग्राम ग्रुप चालू हुआ है ना, अगर आप चाहो तो तब से एक एक पोस्ट, एक एक PDF आपको सब मिल सकती है यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे और मिलता जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कम से कम कर देना यार। ठीक है, और तो यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है, आपकी यही सहयोग चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हम लोग मोटिवेशन मिलेगा।